आज इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट मार्केट में, जहां पे सीमेंट प्रोडक्शन की टोटल कैपेसिटी 500 मिलियन टन यानी करीब 50 करोड़ टन की है। इंडियन जीडीपी का 1.2% हिस्सा सिर्फ सीमेंट मार्केट से आता है एंड ये इंडस्ट्री 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आइए जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे एंड बाकी सेक्टर्स पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका पहला यूट्यूबर अविनाश एंड आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरी एंड तक देखिए क्योंकि काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। इंडिया में ऑर्गेनाइज सीमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत 1904 में चालू हुई थी। 1904 में पोरबंदर गुजरात में पहली सीमेंट फैक्ट्री बनी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो चल नहीं पाई। लेकिन उसी साल चेन्नई में दूसरी सीमेंट फैक्ट्री बनी बाय साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड और यहाँ से सीमेंट प्रोडक्शन चालू हुआ। उसके 10 साल बाद पोरबंदर गुजरात में भी इंडियन सीमेंट कंपनी चालू हुई विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 टन, लेकिन ये फैक्ट्री सिर्फ 1,000 टन ही सीमेंट प्रोड्यूस करती थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौर में इस इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला एंड ये इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ने लगी। भारत आजाद होने के बाद भी इंडस्ट्री में काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि आजादी के बाद गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल एंड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही थी एंड ये भी रीजन था जिसके कारण ये इंडस्ट्री फास्ट ग्रो हो पाई है। आज की डेट में इंडिया की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी दुनिया की कैपेसिटी में 7% कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज दुनिया की कैपेसिटी 100 किलोग्राम है तो उसमें से 7 किलोग्राम सिर्फ इंडिया की कैपेसिटी है। सीमेंट का यूज किस चीज में नहीं होता? रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारी जगहों पे सीमेंट का यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर एक प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो नई सड़कें नहीं बनेंगी, हमें झोपड़ी में रहना पड़ेगा एंड और भी मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग FY 2022-23 का पीएम आवास योजना का बजट अराउंड 48,000 करोड़ रुपीज डिक्लेयर हुआ है, जिसके चलते नए नए घर बनेंगे एंड इसका लाभ हमारी फैमिली ने भी लिया है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में रियल एस्टेट का मार्केट 2023 में $1 trillion का हो जाएगा, जिससे सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि इंडिया के टोटल सीमेंट कंजम्पशन में 65% कंजम्पशन ये सिर्फ रियल एस्टेट एंड हाउसिंग से होता है। फिर बाकी चीज़ें आती है, जैसे कि 20% पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंज्यूम होता है एंड बाकी 15% इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाता है। अगर हम स्टेट वाइज सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन जैसे राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा मिलके 107 मिलियन टन की कैपेसिटी रखते हैं। नॉर्थ रीजन जैसे यूपी एंड एमपी मिलके 63 मिलियन टन एंड वहीं पे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड अप्रोक्सीमेटली 92 मिलियन टन की कैपेसिटी रखते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र 63 मिलियन टन एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका मिलके सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं एंड दैट इज 160 मिलियन टन पर एनम। दुनिया में सेकंड नंबर पर रैंक करने वाली इस इंडस्ट्री का मेजर फैक्टर इसका रॉ मटेरियल है। सीमेंट प्रोडक्शन में अलग अलग टाइप्स के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, एल्यूमिना, सिलिका एंड जिप्सम। वैसे तो सीमेंट प्रोडक्शन में 60-65% काम सिर्फ लाइमस्टोन का ही होता है एंड ये मटेरियल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सीमेंट फैक्ट्रीज भी उसी जगह लगाई जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलना आसान रहे। इंडिया में लाइमस्टोन के माइंस आपको बिहार, गोवा एंड आंध्र प्रदेश जैसे रीजन्स में देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 500 मिलियन टन यानी करीब 50 करोड़ टन की है। उसमें से हर साल इंडिया अराउंड 30 करोड़ टन सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इंडिया में 210 लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट्स है, जिसमें से 77 प्लांट्स आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु में सिचुएटेड है। यूनियन बजट ऑफ FY 2022-23 में गवर्नमेंट अपना ज़्यादातर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देने वाली है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने $26 billion रोड के लिए एंड $18 billion रेलवे के लिए एलोकेट किए हैं। और भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, हाउसिंग एंड मेनमो, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकते हैं। IBEF के अकॉर्डिंग इंडिया में सीमेंट का कंजप्शन 2016-22 तक 5.6% CAGR से इंक्रीज हुआ है। और भी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आ रही है, जिसके चलते ये इंडस्ट्री और भी ग्रो करेगी एंड अल्टीमेटली इसका फायदा लोगों को ही होगा। आज की डेट में इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स है एंड उनमें से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अल्ट्राटेक ने कैप्चर किया है। अल्ट्राटेक ने खुद कहा है कि उनके पास 130 मिलियन टन यानी 13 करोड़ टन सीमेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर करने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स, आपने वो ऐड तो जरूर सुनी होगी कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। अल्ट्राटेक ही, अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। एंड इसी मार्केटिंग से उन्होंने मिडिल क्लास पॉपुलेशन को टारगेट किया है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए घर सिर्फ घर नहीं होता बल्कि एक इमोशन होता है। इनके बाद आती है अमुजा सीमेंट, ये कंपनी भी सीमेंट इंडस्ट्री में लीड कर रही है। आज इनके 6 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट पूरे इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण ये लोग 31 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि श्री सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, बिरला सीमेंट एंड मेनी मोर।
इंडिया ने FY21 में अराउंड 119 मिलियन डॉलर्स का सीमेंट इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने FY21 में 118 मिलियन डॉलर्स का सीमेंट एक्सपोर्ट किया है। इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है श्रीलंका, नेपाल, US, UAE एंड बांग्लादेश। यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USEPA के अकॉर्डिंग सीमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री है। इन फैक्ट्री से हर साल अराउंड 5 लाख टन से भी ज्यादा का पॉल्यूशन होता है। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें हेल्थ इफेक्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंग डिसीज, अस्थमा एंड हार्ट डिसीजेस। और इतना ही नहीं, ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खराब चीज है। इससे ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलेंगी। तो फिर ये कंपनी इसके लिए क्या कर रही है, एक्चुअल में क्या कर रही है वो तो नहीं पता, लेकिन IBEF के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज में अल्टरनेट फ्यूल का यूज किया जाने लगा है। अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां टायर, चिप्स एंड रबर डस्ट को एज अल्टरनेट फ्यूल यूज कर रही है, जिसके चलते 30,000 टन ऑफ कार्बन इमिशन कम हो पाया है। मुझे नहीं पता कि ये मेथड कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगी, लेकिन जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बाय द वे, आपको क्या लगता है क्या होगा इसका फ्यूचर, और हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी से या अल्टरनेट फ्यूल से, मुझे कमेंट में बताओ। एंड अल्कोहल मार्केट का भी वीडियो देख लीजिए पेशेंटली, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।